सही है कि नाली जो है बड़ा अच्छा बना है। अच्छा ये नीतीश का सरकार है, नीतीश का सरकार में ऐसा हुआ है। वो नया शिक्षा नीति से भी है इसी तरह काबिल इंजीनियर बनेगा, रोडवा रहेगा 3 फीट नीचे और नलवा रहेगा 3 फीट ऊपर। इतना भ्रष्टाचार क्या है, एक चाचा अभी बोल रहे थे, अभी शायद बोल रहे थे, ये जो नाला जहाँ से जहाँ तक बनना चाहिए था वहाँ तक नहीं बना, लेकिन पूरा बिल पास हो गया। अब क्या है ये बात तो हम नहीं कह सकते, बिल तो पास नहीं है पता हमको, लेकिन आधे लेकिन जहाँ तक बनना चाहिए वहाँ तक नहीं बना, नहीं आधा में आधा तो अधूरा बना के छोड़ दिया, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया गया। नीचे नाला है ऊपर तो कहाँ से जाएगा। एक बात को समझिए कि ये जो चाची है ये उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इनको इस बात का आइडिया है कि रोडवा का पनिया नलवा में कैसे आदमी सफा करता है, साफ करता है, वहाँ भी साफ करता है, कहाँ सफाई अभियान में आता है। फिर क्या होगा बोलिए, रोड से ज्यादा ऊंचा नाला है ये ना, ऐसे पानी कहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे इंजीनियर जब आते हैं पास करने के लिए, जब बनाते हैं उससे तो ठीक है ज्यादा बोले ले। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप अभी देख रहे हैं इंडिया सचटेक न्यूज। अभी हम हवेली कर्णपुर के अंतर्गत वार्ड संख्या 7 में है जो की नगर परिषद में आता है, और यहाँ पे एक इंजीनियर ठेकेदार के द्वारा एक नाला बनाया जाता है जो की अप्रोच ये देखिए रोड, रोड की ऊंचाई के ऊपर ये देखिए नाला, नाला ऊपर बना दिया जाता है और रोड नीचे रहता है, इसके वजह से यहाँ क्या होता है पानी बन जाता, पानी जमाव रह जाता है। एक कहावत है, कक्षा 6 में पढ़े थे, अंधेर नागरी चौपट राजा, टक्के सर भाजे टक्के सर खाजा, सेम इसका उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से राजा अंधेर नागरी में रहता है और चौपट राजा, उसी प्रकार से रोड को चौपट बना दिया है और नलबा को दिखा दिया थोड़ा सा कि रोड से ऊपर नाला बना दिया था। अधिकांश ये सब देखने को मिलता है बिहार में, आप इस नाला को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पानी रोड पे जाता होगा कि रोड का पानी नाला में जाता होगा। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि इसका पानी रोड पे जाता है और रोड का पानी नाला में जाता है। क्या नाम हुआ चाचा? विष्णु पासवान। आप मुझे ये बताएं, नाला का पानी रोड पे जाता है कि रोड का पानी नाला में जाता है? नालिया का पानी रोड पे जा रहा है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर को क्या कहेंगे आप? हम तो सब तो साथ नहीं देंगे, आपकी उठेगा भी तो सब वोट दीजिएगा। भैया आप बताइए, आप तो कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं? हम बस 2-3 क्लास तक पढ़े लिखे, 2-3 क्लास तक पढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग इंजीनियर लोग हैं बहुत पढ़ लिख कर बिहार में आते हैं, उसके बाद टेंडर पास करा कर रोड को बना दिया जाता है, नाला को बना देता है। आपके अनुसार से नाला कहाँ तक सही है? नाला जो रोड से नीचे रहना चाहिए तब ना रोड का पानी नाला में जाएगा, यहाँ नाला रोड से ऊंचा में है, नाला का पानी रोड में जाता है। ये देखिए इंजीनियर साहेब, ये आपसे कम पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन ये आपको बुद्धि सिखा रहा है कि नाला किस प्रकार से बनना चाहिए। अच्छा, कभी भी इस नाला का पानी रोड का पानी नालम क्या क्या? नहीं, हम तो कई बार नाला और खोलते थे कि रोड का पानी जाएगा तो बाहर निकलता था, लास्ट में बंद कर देते थे, 10 आदमी अम्मी को बोलता था काहे खोल दिया, हम बंद कर देते थे। क्या बोलेंगे भैया ऐसे ऐसे इंजीनियर ठेकेदार को? बस बांध के मारो पोल में। अच्छा, इस क्षेत्र का माननीय सांसद महोदय चिराग पासवान जी, आप जब मंच पे आते हैं तो लंबे लंबे भाषण में फेंकते हैं, मैंने पूरा विकास किया, ये देखिए यही आपका विकास है। भैया रोकिएगा रोकिएगा, एक मिनट, ये कितना दिन भर में कितना बार आ जाते हैं चल जाते हैं रोड पे? होकर 5-6-7 बार। ऐसा विकास कहीं देखे हैं आप? नहीं। इतना अच्छा इन जो नाला, ठंडा पानी जम हो जाता है। क्या बोले? बार-बार ठंडा पानी जम हो जाता है, बहुत कठिन है। समझे, रुकिए ना थोड़ा सा, वहां से रुकिए ना। ये जो नाला बनाया गया है कहाँ तक सही है? सही कहियो सही नहीं है, उल्टा पानी आ जाता है, उल्टे पानी आता है। ये देखिए ठेकेदार इंजीनियर ऐसा सा जो कहता है उसको क्या करना चाहिए? सजा दिलवाई जाता है। ये देखिए, जब कोई भी नागरिक से आप पूछ लीजिए, कोई अगर एक भी नागरिक यहाँ का एक भी ग्रामीण बोल देगा कि ये नाला सही है तो हम मत मानेंगे। सही है, जहाँ से नाली बना है वहाँ से उस पार चला जाता है पानी, उस नाली में जाता है, इस नाली में पानी नहीं जाता इसमें। क्या बोलेंगे चाचा? ठीक है बोल रहा है, जो बात है सही है कि नाली जो है बड़ा अच्छा बना है। अच्छा, ये नीतीश का सरकार है, नीतीश का सरकार में ऐसा हुआ है। आधुनिक आधुनिक बिहार का आधुनिक इंजीनियर ने इस नाले का निर्माण किया है। अभी भारत में नया शिक्षा नीति लागू हो गया, कई राज्यों में नई शिक्षा नीति पे जो है बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और नए शिक्षा नीति से पढ़ के जो है बच्चा इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और बिहार के जो इंजीनियर है वो नया शिक्षा नीति से भी है इसी तरह काबिल इंजीनियर बनेगा, रोडवा रहेगा 3 फीट नीचे और नलवा रहेगा 3 फीट ऊपर।
और उसमें भी इतना भ्रष्टाचार क्या है, चाचा अभी बोल रहे थे, अभी सच बोल रहे थे, ये जो नाला जहाँ से जहाँ तक बनना चाहिए था वहाँ तक नहीं बना, लेकिन पूरा बिल पास हो गया। अब क्या है ये बात तो हम नहीं कह सकते, बिल तो पास नहीं है पता हमको, लेकिन आधे लेकिन जहाँ तक बनना चाहिए वहाँ तक नहीं बना, नहीं आधा में आधा तो अधूरा बना कर छोड़ दिया, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया गया। क्या बुआ क्या सही लग रहा है नाल भाई यार? नहीं सर, नहीं देखिए बच्चा को भी पता है कि नाला जो बनाया है ना सही नहीं बनाया। ए भैया यहाँ पे आप कुछ दिखा रहे थे कुछ देर पहले, ये देखिए यहाँ से नाला का पानी रोड का पानी खोद कर नाला में घुसाने का प्रयास कर रहे थे आपने, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, नाले का पानी बाहर आता है। देखिए नाला क्यों बनाया जाता है कि ताकि रोड का पानी जमा हुआ नाला में जाए। क्या बोले चाची? सरकारों तो सुने है कि जो अच्छा आदमी की इंजीनियर को देता है नाला पास करने के लिए और उसका घुसा लेता है। बिहार हो गया, बिहार में तो सब इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है, बताइए रोड है नीचे नाला है ऊपर तो कहाँ से जाएगा। एक बात को समझिए कि ये जो चाची है ये उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इनको इस बात का आइडिया है कि रोडवा का पनिया नलवा में कैसे जाएगा, और जो है लाखों लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग करता है, पता नहीं डोनेशन शायद उसको कहते हैं, डोनेशन दे के करता है, और बिहार है ना, बिहार में तो ऐसे भी ऐसे काबिल इंजीनियर को ट्रेनिंग दिया जाता है, नाला का साउथ भी देता है कि कहाँ पानी उसमें जाए, यहाँ पर कितना अगर हम लोग ने सफाई में भिड़े तो बिल्कुल जहाँ नरक रहेगा यहाँ पर अपने से साफ करते हैं। तो क्या चलिए अभी प्रूफ भी देते हैं सदर खर्चा। ये देखिए भानु जी अपने साफ करते हैं। नगर परिषद है और ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है नगर परिषद के सभी तमाम प्रतिनिधि के लिए कि नगर परिषद में आपके जो आपकी आम जनता है वो अपने मुख से बता रही है कि हम अपने से साफ सफाई कर नाला साफ करते हैं, आपको शर्म से ऐसे कीचड़ों में ऐसे पानियों में डूब के मर जाना चाहिए? अभी तक कभी ढलैया हुआ है तो नाला साफ हुआ है, खोल के देख लीजिए कोई भी प्लेट खुला हुआ है, कभी कोई प्लेट खुला हुआ है, यहाँ पर नाला जाम है पानी नहीं रहा। भाई साहब बता रहे हैं कि इस प्लेट को देख के अनुमान लगाइए कि कभी खुला है, हम आपको बताते हैं ये प्लेट क्यों खुलेगा जब इसमें जब इसमें पानी नहीं जा रहा है। इंजीनियर बाग पता है कि हम इसमें पानी घुसने के लिए बनेबे नहीं किए हैं, इसमें खाली पानी निकलने के लिए बना दिए हैं नाला, कहल साफ करेगा नगर परिषद के लेबर काम करता है। हाँ उधर काम कर रहा है अभी, देखिए टोटो वाले भाई साहब है उनसे थोड़ा पूछिए, आइए बात करते हैं। क्या भैया आप तो रोज इससे रोड से आर पार होते होंगे बहुत बार, क्या कहना चाहेंगे भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार को? आप यही बोलना चाहते हैं ये सब सूख जाए पानी और टोट पर का दिक्कत। पानी कैसे सूख जाए महाशय, नलबा ऊपर रहेगा रोडबा नीचे रहेगा, पानी सूखेगा कभी? सूखेगा कहाँ से, सरकार ना देखेगा, सरकार देखेगा। आप लोग बहुत सब व्यक्ति को कहा वोट देते हैं जो सुनबे नहीं करता जनता का, किसको वोट देंगे? हाँ कहाँ से, ये देखिए ये चाची कुछ बताने का प्रयास कर रही है कि ये लोग नगर परिषद में जो मजदूर यानी तो काम करते हैं सफाई कर्मी जो होते हैं वो साफ करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये चाची आज उसका पर्दाफाश कर दिया है। चाची बता रही है कि हम खुद से हम लोग सफा करता है, अभियान माता है सारी क्षेत्र वहाँ से जानते हैं, बुलाते हैं हम लोग फोन करके तब आता है नाला साफ करने के लिए। अच्छा उसका पर नहीं आता है, चलिए आप लोग को हम दिखाएंगे और थोड़ा। क्या बोले भैया? अच्छा नाला बनेगा क्या होगा, फिर क्या होगा बोलिए? रोड से ज्यादा ऊंचा नाला है ये ना, ऐसे 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 इंजीनियर जब आते हैं पास करने के लिए जब बनाते हैं बोले उसके पीछे क्या जाता है बोले इंजीनियर तो वहाँ काम करके अपना चल जाता है, उसका विरोध पता है घर भैया उसी समय विरोध कीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, करना चाहिए ना, करना चाहिए। ये देखिए जब यहाँ पे इंजीनियर ठेकेदार सब इस प्रकार के नाला बना के चल दिया जाता है उसके बाद में ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी देख रहे हैं ये जो चल रहे हैं ना मैं नाला पे चल रहे हैं रोड पे, पता है ग्रामीण क्यों नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है। ये देखिए रोड है, रोड के लगभग 2.5 फीट ऊंचा ये नाला बना दिया जाता है, वो भी ये एक जगह देखने को नहीं मिलता है, ये यहाँ से वहां तक जहाँ तक नाला है ना ऐसा स्थिति। आइए थोड़ा दिखाइए, ये देखिए यहाँ पूरा पानी जम जाता है और रोड का हाल ये देखिए और नाला का हाल ये देखिए।
बाकी बात आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नाला के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे सड़क के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भ्रष्ट इंजीनियर भ्रष्ट ठेकेदार इस प्रकार का कार्य करके चला जाता है उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जो बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।